फैज़ान अल्लाह हजरत वेलफेयर सोसाइटी गंजीपेट रोड उर्दू हाई स्कूल भालदारपुरा नागपुर की ओर से भोजन का वितरण किया गया। गंजीपेट भालदारपुरा क्षेत्र से पिछले एक सप्ताह से गरीबों को खाना वितरित कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद शहर में सभी ओर बंद है, ऐसे में गरीबों को दो वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा, जिस कारण रोड के गरीबों को खाना बांटा जा रहा है, साथ ही चावल दाल भी वितरित किया जा रहा है। गंजीपेट भालदारपुरा क्षेत्र से ये पिछले एक हफ्ते से काम चालू हो रहा है कि ये हम खाना बनाते हैं आलू भात, और ये जितने भी गरीब लोग हैं जो फुटपाथ पे है, मंदिर में, हॉस्पिटल में, जो हमको रोड पे मिलते हैं, इनको हम खाना देते हैं। और ये काम हमारा पिछले एक हफ्ते से चालू है, और ये हम कम से कम 40 से 50 किलो डेली खाना बनाते हैं। उसके बाद में हम ये कच्चा दाल, चावल, नमक, मसाला, तेल, इसके साथ ये भी काम हमारा चालू है। ये हमारी पूरी टीम है, ये पूरी मेहनत कर रही है, और ये पूरे गरीबों की, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, केयर हुमन करके हमारी टीम है, और ये पूरी टीम काम कर रही है, और यही मेरी टीम है जो सारे काम कर रही है। रोज 40 से 50 किलो का आलू भात का वितरण गरीबों को किया जाता है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, INBCN न्यूज़ नागपुर।